सो व्हाट्सअप जाना। आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं रोज़ की तरह बढ़िया एंड मस्त होंगे। आज भी भाई आपका एकदम सीवी एडिटिंग बवाल तरीके से, वो भी सैड फोटो एडिटिंग है, क्या ही बताएं कितना मस्त और कितना ढांसू फोटो एडिट हुआ है। काफ़ी सारा आप लोग प्यार दे रहे हैं इस फोटो पे, आप लोग इंस्टा पे चेकआउट कर सकते हैं। कई लोगों ने कमेंट किया है कि भाई इस फोटो का ट्यूटोरियल लेकर आइए, मैं इस फोटो का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। और ज़्यादा आप लोग से मैं बातें नहीं करूँगा, आज मैं टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, आज मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर नए आए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी लोग मेरे पहले के हैंडल लाइक कर देना, सभी लोग मेरे को एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता है आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपने फ़ोटो को शेयर कर लेना अपने फ़ोटो को लाइटरूम में। मेरा फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुका है, यहाँ भी आपका बहुत कम समय लूँगा और तुरंत से तुरंत मैं फ़ोटो में प्रीसेट यूज़ करके दिखा रहा हूँ, और आप लोग को भी प्रीसेट मिल जाएगा। मेरे बहुत से भाई कमेंट कर रहे हैं कि प्रीसेट दो, PNG दो, लिंक दो। अब कल एक वीडियो मैं लेके आऊँगा, कल शाम को वीडियो अपलोड होगा कि मेरा PNG और बैकग्राउंड जहाँ हर एक चीज़ कैसे डाउनलोड करें। तो देख सकते हैं यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेना है, और रोज़ मैं बताता हूँ कॉपी सेटिंग करने के बाद आपका जो भी फ़ोटो होगा फ़ोटो को लेना है, और फोटो में 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो एक क्लिक में मेरा फ़ोटो ऐसे हो जाएगा। इसका मैं प्रीसेट आप लोग को दे दूँगा, यूज कर लीजिएगा, का ही बवाल तरीके का प्रीसेट है। तो यहाँ से शेयर कर लेना है स्केचबुक में। यहाँ से सबसे मेन है यहाँ पे बैकग्राउंड CV बनाना। तो आप लोग एंड वीडियो में एंड तक रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। देख सकते हैं मेरा फ़ोटो ऐड हो चुका है स्केचबुक में। तो चलिए मैं फटाक से बता देता हूँ कि कौन सा ब्रश यूज करना है। तो आपको यहाँ लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद, लाइब्रेरी क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है। नीचे ड्रैग करने के बाद आपको एक समूह में ब्रश दिखेगा, यहाँ पर समूह में ब्रश दिखेगा, और इसमें ये वाला ब्रश चूज कर लेना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ इस प्रकार से स्ट्रेंथ को 13 रख लीजिएगा, फॉलो को 8 रख लीजिएगा, एंड देन यहाँ से इतना होने के बाद फटाफट से अपने फ़ोटो को स्मूथ कर लेना है आप लोग को। तो आप मेरे अगर सब्सक्राइबर होंगे तो आपको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ करना बताया हूँ अपना रियल तरीका। आप लोग एकदम सेम रियल तरीके से स्मूथ कर लीजिएगा, आप लोग देख पा रहे हैं एकदम सेम बता रहा हूँ। अगर अपने हाथ को अगर डेली बाई डेली इस तरह से यूज कर रहे हैं, मतलब मैं स्मूथ कर रहे हैं, एक दिन में आप अगर मतलब छोड़ देंगे सोचने कि एक दिन में हो जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए। तो आपके सामने मैं स्मूथ कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, कुछ भी मैं छुपाता नहीं हूँ, जो भी करता हूँ आप लोग के सामने करता हूँ। तो ऐसे कुछ ऐसे इस प्रकार से ब्रश चलाना है। मैं जो भी मेरे भाई नए होंगे जाके मेरे YouTube के पुराने वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताता हूँ कि किस तरह से स्मूथ करना है। थोड़ा बहुत आज टाइम कम है इसलिए मैं बता रहा हूँ फटाफट, लेकिन आज भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ से भी सीख सकते हैं। नाक के पास गोल गोल अंगुली को और स्किन के हिस्से में जिस हिसाब से आपका स्किन चला होगा उस हिसाब से ब्रश कुछ भी चलाना है। तो गाइस देख सकते हैं इस प्रकार से थोड़ा बहुत स्मूथ कर लेना है फटाफट से। तो चलिए मैं फटाफट से स्मूथ कर। तो गाइस देख सकते हैं मेरा फोटो स्मूथ हो गया है। आप लोग भी इस तरह से अगर करेंगे तो आपका भी स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम कम रहता है ना, अगर स्मूथ करने में टाइम लगता है, अगर उतना टाइम दिखाएंगे तो आप लोग वीडियो देखेंगे ही नहीं है। मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत होता है, अभी मेरे पास वाईफाई नहीं है। आप लोग थोड़ा बहुत प्यार दीजिए, आप लोग एकदम फुल वीडियो एकदम दिखाएंगे कैसे मैं स्मूथ करता हूँ। अभी भी दिखाता हूँ, थोड़ा कम दिखाता हूँ तो आप लोग बोलते हैं कि वीडियो कट कर देते हो, नहीं भाई थोड़ा टाइम कम रहता है, मैं फटाफट से स्मूथ करता हूँ। तो स्मूथ होने के बाद आपके यहाँ लेयर वाला आइकन पर क्लिक करना है, प्लस के आइकन क्लिक करके एक लेयर ले लेना है, और लेयर में यहाँ नॉर्मल क्लिक करके यहाँ सॉफ्ट लाइट कर लेना है, और देन गाइस यहाँ से ब्रश चूज कर लेना आपको ये वाला, यहाँ से ब्रश ये वाला चूज कर लीजिएगा आप लोग। और ये ब्रश चूज करने के बाद यहाँ से कलर को अपने जो भी अपने लिप को कलर रखना है वो कलर ले लीजिएगा। तो मैं पिंक ले रहा हूँ, आप लोग भी पिंक ले लीजिएगा, अपने लिप को कलर कर लीजिएगा। काफ़ी अगर लिप अगर कलर करते हैं तो आप फोटो में समझ लो कि जान आ जाता है, काफ़ी एकदम सुंदर लगने लगता है। तो इस प्रकार से होने के बाद अपने फ़ोटो को सेव कर लेना है गैलरी में। तो गैलरी में सेव होने के बाद अपने फ़ोटो को शेयर कर लेना है पिक्सआर्ट में, क्योंकि CV बैकग्राउंड बनाना है। तो पिक्सआर्ट में शेयर करने के बाद आप लोग को यहाँ से इफेक्ट वाला ऑप्शन को चूज करना है। इफेक्ट वाला ऑप्शन को चूज करने के बाद यहाँ आर्टिस्ट चूज करना है। आर्टिस्ट में चूज करने के बाद आपको यहाँ Fighter 1 चूज कर लेना है। Fighter 1 चूज करने के बाद आपको यहाँ से इरेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अपने चेहरे पर से हटा लेना है। यहाँ चेहरे पर स्किन पे जो भी होगा, जहाँ जहाँ आपका स्किन होगा, एंड देन हेयर होगा, हेयर में भी अगर रखना चाहते हो तो हेयर में रख लीजिएगा, हेयर में सही लगता है, लेकिन मैं हेयर से हटा लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ आपको ये इफेक्ट चाहिए CV वाला तो वहाँ वहाँ रख लीजिएगा, बाकी जगह से इरेज कर लीजिएगा। केवल स्किन पर से इरेज किया जाता है, बाकी तो वैसे ही रहता है।
तो यहाँ से इतना होने के बाद यहाँ से डन कर लेना है। डन इतना होने के बाद आपको यहाँ से स्टिकर पर क्लिक करना है और सर्च मार लेना है रेड लाइट। रेड लाइट सर्च मारेंगे तो कुछ इस प्रकार से PNG मिल जाएगा। तो यहाँ से ब्लेंड कर लेना है और देन स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऊपर एक ठो बैठा लेना है और ऊपर बैठाने के बाद एक ठो इसका क्लिक करके एक लेयर बना लेना है। एक और डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद यहाँ से एक नीचे यहाँ बैठा लेना है और देन अगर यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आप लोग को बताता हूँ। जैसे सेव कर लीजिएगा, अभी आप फ़ोटो पिक्सआर्ट से सेव किए हैं उसको शेयर कर लीजिएगा फ़ोटो रूम में। भाई आप फ़ोटो पिक्सआर्ट से सेव किए गैलरी में उसको शेयर कर लेना है फ़ोटो रूम में। एंड देन गाइस फ़ोटो रूम में शेयर करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आप लोग को बताता हूँ। यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा आप लोग को अच्छे से। थोड़ा टाइम लगता है, नेट फास्ट रहेगा तो फटाफट से हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड कट गया है। आपको इधर एक ऑप्शन दिखता है ब्लर वाला, ब्लर करके ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और देन गाइस यहाँ से क्या करना है ना, बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्लर वाला ऑप्शन पर चूज करके यहाँ से सेकेंड वाला ब्लर चूज कर लेना है और कुछ इस प्रकार से रख लेना है। और इस प्रकार से रखने के बाद ना यहाँ से सेव कर लेना है गैलरी में। आपका फ़ोटो है फ़ोटो रूम से आया होगा, फ़ोटो रूम वाला को शेयर कर लेना है पिक्सआर्ट में। एंड देन पिक्सआर्ट में शेयर करने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को बताता हूँ। इतना होने के बाद आपको जो भी ये फ़ोटो है ना, और जो भी जो मतलब ओरिजिनल फ़ोटो है जो पहले पिक्सआर्ट से शेयर किए सेव किए थे उसको ले लेना है। यहीं पर आपको समझने की ज़रूरत है, जो आप पहले पिक्सआर्ट से सेव किए थे उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। लेकिन आज कुछ इस प्रकार से ऐड कर लीजिएगा छोटा करके फ़ोटो को, और जो फ़ोटो ऐड किए उसको इस प्रकार से जूम करके और यहाँ से सेट करना है। तो जितना बड़ा आप लोग फ़ोटो है उतना बड़ा रख लीजिएगा। और देन अगर यहाँ से इरेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ ब्रश को छोटा करके थोड़ा हार्डनेस को बढ़ा करके और केवल यहाँ चलाना है जहाँ आपको ब्लर रखना है ना उतना दूर आपको चलाना है। ठीक है गाइस, तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से फ़ोटो आपका हो जाएगा। तो इतना होने के बाद यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ से टूल्स पे क्लिक करना है। देन टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एडजस्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ सेचुरेशन को प्लस कर लेना है। प्लस करने में आगे का प्रोसेस आप लोग को बताते हैं। सेचुरेशन को प्लस करने के बाद यहाँ क्लैरिटी को हल्का फुल्का बढ़ा लीजिएगा और यहाँ ब्राइटनेस को कम कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, ब्राइटनेस को ध्यान से कम कर लेना है और थोड़ा टेम्परेचर को भी हाई कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड बनकर तैयार हो गया। आप बच गया है कि फ़ोटो पर भी आ गया है हम लोग का इफेक्ट। तो इसको हटाने के लिए आपको इरेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और देन गाइस यहाँ से सेंडर करना है, केवल बैकग्राउंड पर रख लेना है। तो देख सकते हैं केवल बैकग्राउंड पर हो गया है फ़ोटो, केवल बैकग्राउंड पर मेरा इफेक्ट चला गया है। और देन गाइस यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको यहाँ से एक और प्रोसेस क्लिक करना है और यहाँ से आर्टिस्ट वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ फाइटल वन पर, और देन गाइस फाइटल वन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करके यहाँ से कम कर लीजिएगा। फिर यहाँ इरेज पर क्लिक करके, इरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग को यहाँ से ध्यान से थोड़ा कम करना है। यहाँ से आप लोग इरेज वाला बटन को चूज करके और ब्रश साइज को कम करके और हार्डनेस को भी कम करके और जहाँ जहाँ भी आपका स्किन हुआ वहाँ से हटा लेंगे, क्योंकि आपके स्किन पर गया है ना इफेक्ट, उसको हटाना जरूरी रहता है, सही नहीं लगता है। आप लोग भी ऐसे एकदम बारीकी से काम कीजिएगा। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे गांव में थोड़ा बहुत प्रोग्राम चल रहा है तो वहीं पर मेरे मुझे रहना है, तो इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को मैं एक तरीका बता देता हूँ ना, आप लोगों को तरीका फॉलो कीजिए ना, आप लोगों को एकदम 100% फ़ोटो एडिट करना आएगा। आप लोग मेरा बात मानिए, बस तरीका मेरा फॉलो कीजिए। थोड़ा बहुत तरीका आप लोग भूल जाते हैं, थोड़ा ये ही है कि आप लोग ध्यान से देखिए। तो गाइस देख सकते हैं मेरा फ़ोटो एकदम सेम बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ और PNG ऐड करना है तो भी मैं ऐड करके आप लोग को दिखा देते हैं। देन गाइस इतना होने के बाद आप लोगों से यहाँ से स्टिकर पर क्लिक करना है और यहाँ से सर्च मार लेना है ब्रोकन सर्च मारेंगे तो इस तरह के आपको PNG मिल जाएगा। PNG मिलने के बाद इस पर पेड़ के ऊपर बैठाना है कुछ इस प्रकार से और इसको ब्लेंड कर देना है। जिस हिसाब से आप ब्लेंड करना है तो ब्लेंड कर देना है। और देन गाइस ब्लेंड करने के बाद यहाँ से एक गैलरी से स्टिकर ऐड करना है। चलिए फटाफट से ऐड कर लेते हैं। तो भाई देख सकते हैं मेरा PNG ऐड हो चुका है। तो PNG पे दबा के रखेंगे एंड देन ब्लेंड कर लेंगे स्क्रीन और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रख लेंगे। और यहाँ से फिर से यहाँ से स्टिकर पे क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च मारना है वाटर ड्रॉप सर्च मारेंगे तो यहाँ आपको आंसू मिल जाएगा। एंड देन आंसू मिलने के बाद कुछ इस प्रकार से छोटा करके ना आपके जो भी आँखों का उस पर अच्छे से सेट कर लीजिएगा इस प्रकार से।
तो देख सकते हैं गाइज। और जो भी सारा इसमें PNG यूज किए सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, एंड देन बैकग्राउंड भी मिल जाएगा। अगर CV बैकग्राउंड चाहते हैं ऐसा तो CV बैकग्राउंड भी मैं दे दूंगा। देन गाइज बस मेरे को क्या करना है ना, सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना है। तो गाइज मिलते हैं कल के अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।